एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। मैं हूं अनिरुद्ध सिंह और आज है हमारा सेकंड चैप्टर एचटीएमएल का। असली में चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो उसके पहले वाला लेसन था उसमें हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ बेसिक टैग्स देखे और पीडीएफ देखा कि कैसे क्या होता है, कैसे चैप्टर है। आज पहला लेसन है, आज हम एक पेज बनाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाओगे कि एक वेब पेज कैसा बनता है एचटीएमएल नोटपैड के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम बेसिक सा वही HTML टैग का यूज़ करेंगे। HTML के बाद जैसे कि मैंने बोला हेड हेड आता है, हेड हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर जो भी आपको टाइटल बार में दिखाना है, जो आपको लिखा हुआ चाहिए टाइटल बार में गूगल क्रोम पे, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कल बोला कि कॉमन मिस्टेक्स हैं। हेड को भी क्लोज करना ज़रूरी है और स्लैश को भी भूलना नहीं है। हेड और अभी बॉडी शो होगा कि हमारा जो मेन कंटेंट है उसमें क्या होगा। तो बॉडी में मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। फिर बॉडी को भी क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, जो कि हमारा फाइनल टचअप है इसके लिए। फाइनल टैग होता है जिससे हमारा वेब पेज कंप्लीट होता है, मतलब टैग कंप्लीट होता है। और इसे हम देखो HTML हेड टाइटल हो गया, टाइटल में तो टाइटल जो हमको डालना है वो हो गया है, क्लोज हो गया है, हेड क्लोज हो गया है, बॉडी हो गया है, बॉडी जो लिखना था वो लिख दिया है, बॉडी क्लोज हो गया है, HTML भी क्लोज हो चुका है। तो हमारा वेब पेज कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसका सिंटैक्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेन पार्ट आता है सेव कैसे करें। सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे इसलिए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, तो सेव एज पे क्लिक करना है और इसको क्लियर करना है पहले। तो अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या आता है कि हम इस नोटपैड को हम एक वेब पेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमें जो नाम देना है देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ ABC और एंड में .html आएगा, वो डिफाइन करता है कि हमारा नोटपैड एक HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो उसका एंडिंग पार्ट है .html होगा और इसे मैं HTML की फोल्डर में सेव कर देता हूँ। ये सेव यहाँ है यहाँ पे, और ये गूगल क्रोम का आपको साइन दिखेगा क्योंकि ये एक वेब पेज में कन्वर्ट हो चुका है अभी। तो उसको ओपन करते हैं और आ चुका है ये। जैसे कि मैंने बोला आपको टाइटल में जो लिखा है वो टाइटल बार, यानी कि जो आपका टैब का जो नाम होता है उसमें दिखेगा। माय फर्स्ट वेब पेज मैंने लिखा था और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा था मैंने ये, और इधर दिख रहा है। और जो नीचे है हेलो वर्ल्ड, ये बॉडी का पार्ट था बेसिकली, बॉडी में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, वो भी आ चुका है, वो डेवलप हो चुका है। आज का हमारा ये जो चैप्टर था ये बेसिकली आपको दिखाना था कि वेब पेज कैसे बनता है, उसको सेव कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो, और वो मैंने दिखा दिया है आपको अभी। और इसी के साथ हमारा ये लेसन अभी कंप्लीट होता है। ये बहुत ही छोटा लेसन था, तो चूँकि जो पहले जो टैग्स टाइटल टैग हेड टैग वो सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था लास्ट टॉपिक में, तो मैंने सोचा कि एक बार एक वेब पेज बना के दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। अगला जो लेसन है उसमें गणेशन लेंगे वो, और उसमें और भी नए नए टैग्स आपको जो बेसिक। आई होप कि आपको ये आज का लेसन बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो HSC की या कोई भी CBSE या कोई भी जिसको भी सीखना है वो, अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों से शेयर करें। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।